अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब और मैं यहाँ आपके लिए ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है तो शायद मैं बहुत अच्छी तरीके से ना समझा सकूँ या इतनी अच्छी तरीके से ना बोल सकूँ, बट वीडियो अगर थोड़ी भी आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाने की लाने की कोशिश करूँगी। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं करने जा रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल्स पर रिव्यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, विटामिन ई आपकी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये आपकी स्किन और हेयर्स को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर आता है। काफ़ी तरह के विटामिन ई कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इवियोन के कैप्सूल्स, ये इवियोन के कैप्सूल्स आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाते हैं। विटामिन ई आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। किसी भी तरह के रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स आपके स्किन पर अगर है तो ये आहिस्ता 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 उसको भी ख़त्म कर देता है। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये स्किन को, आपकी स्किन को ग्लास स्किन तक में कन्वर्ट कर सकता है। इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन के लिए। और ग्लास स्किन से मतलब मेरा बिल्कुल भी ये नहीं बिल्कुल आपको घोरा चिट्टा बिल्कुल सफ़ेद आटा बना देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, ये आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन क्लियर कर देगा, हर तरह के जितने दाग धब्बे, किसी भी तरह के कोई निशान रिंकल्स, हर चीज़ से आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, नीट एंड क्लीन कर देगा ये आपकी स्किन को। और हर टाइप की स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल सब यूज़ कर सकते हैं इसको। और हाँ, अगर ऑयली स्किन वालों को थोड़ा ये सूट नहीं करता, आपके स्किन पे दाने आ जाते हैं, छोटे छोटे बम्स आ जाते हैं, तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप एलोवेरा में एक विटामिन ई कैप्सूल आप मिक्स करें और आप वो फिर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एलोवेरा में मिक्स करके एज अ नाइट क्रीम, एज अ नाइट सिरम भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेयर्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी हेयर मास्क यूज़ करते हैं तो उसमें आप एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड करें और वो मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इसको एज अ कंडीशनर, आप शावर के बाद इसको एक विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मेडिकल वाला है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, मीन्स ये थिक फॉर्म में, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ इसकी, ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ है, ये थिक सी फॉर्म में है। तो आप जो भी आपको इजीली मिले, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही तरह के काम करेंगे। और ये वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का है। ये मार्केट वाले तो बहुत तरह तरह के अवेलेबल होते हैं, कलर्स भी चेंज होते हैं, और लोकल मार्केट से आपको ये वाला इजीली मिल जाएगा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ है, बिल्कुल ये रनी सा है। इसको आप लगाएं, ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में। एलोवेरा के साथ मिक्स करके लगा रहे हैं तो भी ये अच्छी तरह मसाज करें आप इससे रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे ना भी करें तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करें। कोई मास्क आप लगा रहे हैं उसमें आप ऐड करें, लगा लें ईजिली। और जो ड्राई स्किन है उसके लिए तो बहुत 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 हद से ज़्यादा बेनिफिशियल है, हद से ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया मेरी स्किन में, ये देखें। तो बस यही मैंने आपको कुछ यूज़ेस बताए हैं विटामिन ई के। यूज़ेस तो बहुत बहुत इंतहा से ज़्यादा हैं, इतने हैं कि अभी मेरी वीडियो ख़त्म ही नहीं होगी, चलती रहेगी और हमेशा यही वीडियो चलती रहेगी, इतने फ़ायदे हैं इसके। बट अगर आपको ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।